प्रिय विद्यार्थियों, आज हम समाजशास्त्र में सामाजिक परिवर्तन के कारक या कारणों का अध्ययन करेंगे। समाज में परिवर्तन क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है, यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर विद्वान युगों से विचार करते आए हैं। आज भी अनेक समाज वैज्ञानिक अपने अध्ययन में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सामाजिक परिवर्तन के कारण के अध्ययन से संबंधित होते हैं। मनुष्य का सामाजिक जीवन अनेक छोटे मोटे कारणों से भी प्रभावित होता है। सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारक इस प्रकार हैं। पहला, प्राकृतिक कारक, इन्हें भौगोलिक कारक भी कहते हैं। मानव ने प्रकृति को अपने वश में करने का प्रयास किया है, परंतु प्रकृति पर वह पूर्ण रूप से विजय प्राप्त नहीं कर सका है। यह प्राकृतिक अवस्था ही मानव सभ्यता के विकास और विनाश का कारण बनती है। जहाँ प्रकृति शांत होती है, वहाँ विज्ञान का विकास होता है, तथा जहाँ प्रकृति रौद्र स्वरूप दिखाती है, वहाँ धर्म का प्रभाव ज्यादा होता है। यह प्रकृति अपने विनाशकारी रूप में परिवर्तन लाती है। इनके रूपों में भूकंप, अकाल, बाढ़, महामारी आदि के समय देखने को हमें मिलता है। दूसरा, आर्थिक कारक, समाज के शिकारी अवस्था से कृषि अवस्था में, कृषि अवस्था से औद्योगिक अवस्था में आने से सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इस परिवर्तन से सामाजिक संस्थाएं, परंपराएं, रीति रिवाज आदि में परिवर्तन आते हैं। भारत जैसे विकासशील देश में यह परिवर्तन हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश से औद्योगिक समाज में परिवर्तित हो रहा है। तीसरा, सांस्कृतिक कारक, मनुष्य का सामाजिक जीवन विश्वास, धर्म, आदर्श, प्रथाएं, रूढ़ियां आदि पर निर्भर होता है। सनातन धर्म में विवाह की क्रिया को आदर्श के रूप में देखा जाता था। ऐसा लोगों का मानना था कि विवाह ईश्वर स्वयं निश्चित करता है। विवाह की क्रिया ईश्वर को साक्षी मानकर संपन्न होती थी, अतः ऐसे विवाह को तोड़ने की कल्पना नहीं होती थी। इस प्रकार विवाह विच्छेद को हिंदू विवाह में कोई स्थान नहीं था, पर अब यह आधार बदल गया है। लोग अपने व्यक्तिगत सुख तथा यौन संतुष्टि के लिए विवाह करते हैं, अतः पारिवारिक स्थिरता कम हो गई है। विवाह विच्छेद अब अधिक संख्या में होने लगे। चौथा, जनसंख्यात्मक कारक, जन्म दर तथा मृत्यु दर घटने, बढ़ने व देशांतरण की प्रकृति के कारण जनसंख्या में परिवर्तन होते हैं। जब जन्म दर बढ़ती है और मृत्यु दर घटती है, तो जनसंख्या में वृद्धि होती है। भारत में आज यही स्थिति है कि यहाँ पर जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। माल्थस के शब्दों में यह स्थिति समाज में भुखमरी, महामारी, बेरोजगारी आदि को उत्पन्न करती है। पांचवा, प्रौद्योगिकी कारक, नई मशीनों या यंत्र का आविष्कार सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है। मशीनों के आविष्कार से बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव हुआ है, श्रम विभाजन विशेषीकरण हुआ है, इसके साथ साथ जीवन स्तर उच्च हुआ तथा लोगों के जीवन शैली में भी परिवर्तन आया है। गंदी बस्तियों का विकास हुआ, संघर्ष और प्रतिस्पर्धा में भी वृद्धि हुई है, धर्म का प्रभाव कम हुआ है तथा जीवन प्रकृति से दूर हुआ, इसका प्रमुख कारण प्रौद्योगिकी है। छठवां, प्रणालीशास्त्री कारक, यदि किसी समाज में स्वास्थ्य का स्तर नीचा होता है, तो उसका प्रभाव सामाजिक जीवन पर भी दिखाई पड़ता है। ऐसे समाजों में जहां जन्म दर और मृत्यु दर ज्यादा रहती है, बच्चों की मृत्यु दर ज्यादा होने से जीवन अवधि भी कम होती है। जहां अनुभवी लोग कम होते हैं, वहां आविष्कारों की संभावनाएं भी कम होती है। इस प्रकार हम यह समझ सकते हैं कि अलग अलग कारकों के कारण समाज में परिवर्तन देखने को मिलते हैं।